सत्साई जी भगत भाइयों के लिए व राम राम जी जगत भाइयों के लिए। नमस्कार दर्शकों, आज हम आ चुके हैं संत रामपाल जी महाराज के जिले के सत्संग में। और देख सकते हैं यहाँ पर कुछ भगत बैठे हुए हैं जो कि सेवा कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज की। चलिए जानते हैं उनके विचार। नमस्कार जी, तो देख सकते हैं यहाँ पर मेन गेट पर एक वाणी लिखी हुई है संत रामपाल जी महाराज की कि तीनों देवा कमल दल बसे ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनकी वंदना फिर सुन सतगुरु उपदेश। और देखिए यहाँ पर कुछ भगत खड़े हुए हैं, तो इनसे जानते हैं कि ये किस लिए खड़े हैं यहाँ पर। चलिए नमस्कार सर। नमस्कार, आप यहाँ पर किस लिए खड़े हैं और यहाँ पर क्या हो रहा है? जिला स्तरीय सत्संग हो रहा है संत रामपाल जी के, मतलब संत रामपाल जी का सत्संग हो रहा है। अच्छा, आइए और भी आगे जानते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर पार्किंग सेवा चल रही है इनकी, जो कि यहाँ पर पार्किंग वगैरह करते हैं, जैसे कि बाइक कार। नमस्कार जी, यहाँ पर देख सकते हैं इनसे पूछते हैं कि यहाँ पर इनकी किस चीज की सेवा लगी हुई है, जानते हैं इनके विचार। नमस्कार सर। नमस्कार, यहाँ पर किस चीज की सेवा चल रही है? यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज का सत्संग हो रहा है, तो यहाँ पर सभी भक्तों के मतलब लाइन से जूता चप्पल रखे जाए, जिसकी वजह से कोई भगत के इधर की उधर चप्पल ना हो। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर जूते चप्पल जमा किए जाते हैं, ये बता रहे हैं। चलिए आगे हम लोग जानते हैं। नमस्कार जी, तो यहाँ पर देख सकते हैं इनसे जानते हैं यहाँ पर किस चीज की सेवा चल रही है। नमस्कार सर। नमस्कार जी, यहाँ पर किस चीज की सेवा चल रही है? यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग चल रहा है, इसमें यहाँ पर जो भी भगत आदमी आ रहे हैं, भगत के और जगत के जो भी आदमी आ रहे हैं, उनकी यहाँ पे हाजिरी लगाई जा रही है। अच्छा, चलिए और भी आगे हम लोग जानते हैं। नमस्कार जी, जानते हैं यहाँ पर इनकी किस चीज की सेवा चल रही है? नमस्कार मैम। यहाँ पर किस चीज की सेवा चल रही है? देखिए यहाँ पर चल रही है जलराम की सेवा। कोई भाई बहन आते हैं तो उनके लिए जलराम की सेवा लगी हुई है। नमस्कार जी, अभी हम लोग आ चुके हैं पंडाल के पास और देखिए यहाँ पर चल रहा है संत रामपाल जी महाराज का सत्संग। चलिए अंदर चलते हैं। देखिए हम लोग अंदर आ चुके हैं और यहाँ पर देखिए संत रामपाल जी महाराज का सत्संग चल रहा है, इसको सभी भाई बहन अच्छे से सुन रहे हैं।